फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आखिरी तक परेशान करता है, और जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा उसको आखिरी में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन होप मत हारना यार, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आखिरी में पढ़ के फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर फोड़ते हैं, और आप अभी भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जरूरत है एक सही स्ट्रेटजी की। तो जैसे मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ प्रोवाइड करी है, सेम एज मैं आपको फिजिक्स की इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सी डेरिवेशन है, कौन से ग्राफ्स है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको पीडीएफ कैसे मिलने वाली है, हैंड रिटन प्रॉपर पीडीएफ आपके लिए बनाई हुई। सबसे पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे बेसिक कूलम्स लो तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन आते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी के लिए। डेरिवेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, टॉर्क ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शीट। को इनफिनाइट लॉन्ग वायर बताया, थिन प्लेट बताया और स्फेरिकल शेल बताया, ये आपकी गॉस लॉ की एप्लीकेशन, और तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आपसे ग्राफ भी पूछे जाते हैं, तो इनको बड़े अच्छे से कर लेना, गॉस लॉ की डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। अब आपको ये ग्राफ कहां मिलेंगे, मैंने ना दो पीडीएफ अलग बनाई है। एक पीडीएफ के अंदर आपके जितने चैप्टर्स है ना, सारे चैप्टर के डायग्राम, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम और ग्राफ्स है सारे इंक्लूड करे, लाइक ये स्फेरिकल थिन शेल है, गैल्वेनोमीटर है, स्टोन ब्रिज है, सारी चीज इंक्लूड करिए उस डायग्राम वाले पार्ट के अंदर, और फॉर्मूले भी। एक पीडीएफ है जिसके अंदर डेरिवेशन है, जिसके अंदर सारी डेरिवेशन है आपकी फिजिक्स की। सेकंड चैप्टर आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसके अंदर पहली डेरिवेशन आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी का आती है कई बार आपकी डेरिवेशन। के अलावा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जो मैंने आपके डायग्राम वाली पीडीएफ में इंक्लूड करा है। इसके अलावा इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपको डेरिवेशन करनी है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये वाला पार्ट की आपको अच्छे से कर लेनी है, आपको पीडीएफ में मिलेगी। अब आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन आ जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक बड़ा अच्छे से कर लेना है। फिर सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल, इसकी आपको डेरिवेशन अच्छे से कर लिया, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और थ्योरी पार्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका डायग्राम और उसकी जो डेरिवेशन है वो भी मैंने आपकी इंक्लूड करी है डायग्राम वाले पार्ट के अंदर। मीटर ब्रिज से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन भाई किस पे ये बेस्ड है और उसका प्रॉपर डायग्राम डेरिवेशन आती है, तो उसको बड़े अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एंड टोरॉइड, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, टॉर्क ऑन अ करंट लूप, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये जो मैंने आपको बताया ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर्स में भी दिया हुआ है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना ये अच्छे से कर लेना। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर से कई बार गैल्वेनोमीटर के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बड़े अच्छे से कर लेना, डायग्राम में इंक्लूड करें, और इसकी मैंने डेरिवेशन वाली पीडीएफ में आपको अच्छे से मिल जाएगी। फिर आता है मैग्नेटिज्म, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, करंट लूप एज अ डाइपोल, उससे क्वेश्चन आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म से हिस्ट्रीसिस कर्व काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायग्राम वाली पीडीएफ में मिल जाएगा अच्छे से, तो वहां से उसको जरूर कर लेना भाई, सॉफ्ट आयरन और स्टील का आपको अच्छे से कर लेना हिस्ट्रीसिस कर्व। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई जिसको बोलते हैं, इसमें आपको मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सेलेनॉइड आपको कर लेना है, और म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सेलेनॉइड, इससे डेरिवेशन कई बार आपके पेपर में पूछी गई है। इसके अलावा एल और एम के फॉर्मूले कर लेना भाई, सेलेनॉइड के लिए अलग होते हैं, सर्कुलर कॉइल के लिए, टोरॉइड के लिए, तीनों के लिए, और इनकी फिगर भी आपको डायग्राम वाली पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ऑल्टरनेटिव करंट एसी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सर्किट डायग्राम आने चाहिए कि भाई आपका जो ओनली रेजिस्टेंस होता है उसका क्या फेज डायग्राम होता है, ओनली कैपेसिटर का क्या फेज डायग्राम होता है, ट्रांसफॉर्मर से कई बार क्वेश्चन आया था, ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से कर लेना है। डेरिवेशन की बात करूं तो फेज डायग्राम और सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस और सीरीज एलसीआर सर्किट, और पावर इन एन एसी करंट, इन तीनों से आपको डेरिवेशन देखने को मिलती है, तो इन तीनों को अच्छे से कर लेना, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको पीडीएफ में मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है ईएम वेव्स, जो कि बहुत ही इजी भी आपका, इसमें आपके डेरिवेशन बताऊं तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स और इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स, बहुत छोटा है, इन तीनों की आप डेरिवेशन कर लेना, आपको प्रॉपर मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला जो आपका ग्राफ होता है उसको अच्छे से कर लेना, और जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, उससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। अब आते हैं रे ऑप्टिक्स पे, जिससे सबको डर लगता है, लेकिन यार जो चीज मैं बताने वाला हूं ना वो कर लेना और आप इजीली इसको क्रैक कर लोगे। जैसे कि मिरर फार्मूला, कई बार मिरर फार्मूला को छोड़ देते हैं बच्चे, मिरर फार्मूला से कई बार क्वेश्चन आता है, तो उसको कर लेना।
रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस जो आपका होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसके जो डायग्राम से भाई प्रिज्म से अगर आप पास करोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके अलावा आपका जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का है, एंगुलर डिस्पर्जन का है, रेनबो का है, इनको अच्छे से कर लेना। इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम वाली PDF में आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला को अच्छे से कर लेना, थिन लेंस फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दो क्वेश्चन इससे फिक्स होते हैं, या तो आपको लेंस बनाने को या मिरर बनाने को देता है, ये आपको लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन देता है, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन देता है, और एक क्वेश्चन होता है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से फिक्स। तो ये आपको डिवाइड करके चलना है कि भाई इस पोर्शन से एक क्वेश्चन, इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की मैंने प्रॉपर डायग्राम में आपको मिल जाएंगे, उनके डायग्राम अच्छे से कर लेना। आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स आसान होता है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी और रिफ्रेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी कर लेना। पोलराइजेशन से या फिर आपका इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। वेव ऑप्टिक्स से आपको डायग्राम जैसे वेव फ्रंट हो गया, स्फेरिकल से, सिलेंड्रिकल से, प्लेन वेव फ्रंट, इनको अच्छे से कर लेना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के जो फॉर्मूले है ना, उनको अच्छे से कर लेना, आपको डायग्राम वाली PDF में मिलेगा, उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इन सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, दोनों कर लेना। और एक आपका पोलराइजेशन का, अनपोलराइज को जब पोलराइजर से पास करते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। लॉ ऑफ मालस अच्छे से कर लेना और पोलराइजेशन ऑफ ए रिफ्लेक्शन, इसको अच्छे से कर लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। एक ये ब्रिस्टर लॉ है, म्यू इक्वल्स टू 10 IP, ये अच्छे से कर लेना फॉर्मूला, इससे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। अब आते हैं फिजिक्स के सबसे इजी चैप्टर। सबसे पहला आपका उसमें है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इससे ना काफी ग्राफ्स आते हैं, जैसे कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच का, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का, तो ये सारे मैंने आपको ग्राफ में इंक्लूड करे हैं, वो अच्छे से कर लेना। डेरिवेशन की बात करूं तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनसे आपको डेरिवेशन देखने को मिलती है, और इससे आपको ना रेशियो वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में PDF मिल जाएगी, वहां से जरूर चेकआउट करना। इससे डेरिवेशन की बात करो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेक्ट्रल सीरीज से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से कर लेना, आपको PDF में मिल जाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल टॉपिक बताऊं तो इंपैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से आपका न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम को अच्छे से कर लेना है आपको, और अल्फा एक्सपेरिमेंट के आपको लिमिटेशंस और क्या मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। अब आया था नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियर, जिससे क्वेश्चन फिक्स रहता है कि भाई न्यूक्लियर बेंडिंग एनर्जी का जो आपका ग्राफ है ना, वो आपको अच्छे से कर लेना है, मेरी PDF में मिल जाएगा, जो मैंने प्रॉपर नोट्स उसके बना रखे हैं, उससे फिक्स रहता है क्वेश्चन, तो वो कर ले। इफेक्ट का फॉर्मूला है, उससे न्यूमेरिकल हर बार आता है, तो उसको बड़े अच्छे से कर लेना। बाकी बेसिक चीजें n/n0=1/2 वाला फॉर्मूला बड़े अच्छे से कर लेना, जहां पे आपका n आपका हाफ लाइफ टाइम होता है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको बड़े अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आता है सेमी कंडक्टर, जो कि काफी स्कोरिंग है और जिसमें डेरिवेशन ज्यादा नहीं है, आपका डायग्राम हो गया और आपका थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, जिसमें सबसे पहले आपको एनर्जी बैंड थ्योरी कर लेनी है, जिसमें आपका कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस है, उससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद PN जंक्शन और उसका डायग्राम अच्छे से कर लेना, उसके PN जंक्शन फॉरवर्ड का, रिवर्स का, और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से भी क्वेश्चन कई बार आया, तो रेक्टिफायर को बड़े अच्छे से आपने कर लेना है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यार, इन सबके मैंने जो आपको डायग्राम्स बताया ना, ये डायग्राम्स की प्रॉपर PDF बना रही है 30 pages की, जिसमें सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूले और मैंने डायग्राम इंक्लूड करे हैं, उसको बड़े अच्छे से आपको चेक कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी डेरिवेशन की बात रही तो 60 pages की PDF बना रखी है, जिसमें हैंड रिटन सारे आपको PDF एक करके मिलते जाएंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत इसमें करनी है कि उस सारी डेरिवेशन को आपको याद कर लेना है समझ के। फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो भी डाल रखे, तो वो भी चेकआउट कर लेना। और भी आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।